हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। एक हमारे व्यूअर है सौरभ जी, जिन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इफ फॉर्मूले से एक्सेल में तो बहुत ही आसानी के साथ ग्रेड कैलकुलेट कर पा रहे हैं, लेकिन ग्रेड कैलकुलेशन कुछ अलग टाइप का है उनका। जैसे 50% से लेस अगर मैं कर देता था अपने वीडियोज में तो वहां पर बच्चे फेल हो जाते थे, लेकिन इन्हें 30% तक पास होना चाहिए। बच्चों को अगर 30% तक पास रखना है तो आपको कैसे ग्रेड कैलकुलेट करना है वो एक बार दिखा देता हूँ। 2016 वर्जन पे मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूँ। आप चाहे जो भी वर्जन यूज करते हो, आई होप कि आप 2007 या उससे अधिक का वर्जन यूज कर रहे होंगे, तो यहाँ पर कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आ जाइए, यहाँ से 2016 वर्जन मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस पे आप क्लिक कर दें, और ये क्लिक करने के बाद यहाँ से क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ से व्यू पर क्लिक करिए, और यहाँ से डिजाइन व्यू पर आ जाइए। इसे मैं नाम दे देता हूँ मार्कशीट, ठीक है, ये नाम दे दिया मैंने मार्कशीट। अच्छा, 2007 वर्जन में और 16 वर्जन में एक बड़ा डिफरेंस ये है कि आप डिजाइन व्यू में ही कैलकुलेटेड डेटा टाइप का यूज कर सकते हो, यानी कि फॉर्मूला वहां पर अप्लाई कर सकते हो डिजाइन व्यू में ही। लेकिन वहां पर क्या होता था कि हमें क्वेरी डिजाइन में जाकर के वहां से फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता था। यहाँ पर ये अच्छी बात ये है कि यहीं पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे ये देखते हैं। यहाँ पर ये प्राइमरी की है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो चाबी सी दिख रही है ये प्राइमरी की है। यहाँ पर क्या करेंगे, स्टूडेंट का रोल नंबर दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रोल नंबर। अच्छा, ये प्राइमरी की क्या होती है, ये यूनिक की होती है, यानी एक टेबल में एक से ज्यादा आप प्राइमरी की सेम नहीं रख सकते। जैसे एक स्टूडेंट का रोल नंबर 1 है तो दूसरे स्टूडेंट का रोल नंबर 1 नहीं हो सकता एक टेबल में, ठीक है। प्राइमरी की का ये मतलब है यूनिक, ठीक है। अब यहां पर आएगा नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो ये कर दिया हमने। अब यहां पर आएगा टेक्स्ट, शॉर्ट टेक्स्ट रख लेता हूं मैं यहां पर। फिर अब पहले सब्जेक्ट्स का जो है, मैं यहां पे कंप्यूटर ले रहा हूं, ठीक है, पहला। और यहां पे रखूंगा नंबर डेटा टाइप, आपको नंबर ही रखना है अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो। फिर यहां पे रख लेता हूं इंग्लिश, ठीक है, और यहां पर नंबर डेटा टाइप आएगा। और फिर यहां पे रखता हूं मैं फिजिक्स, और यहां पर भी आएगा नंबर डेटा टाइप, ओके। तो ये नंबर डेटा टाइप कर लिया। यहां पर आएगा इसका टोटल, ठीक है। तो टोटल जो है कैलकुलेटेड डेटा टाइप होगा, यानी टोटल यहां पर हम करेंगे, इन सबका टोटल यहां पर आना चाहिए। तो यहां पर हमको कैलकुलेटेड फील्ड चूज करना है, ये डेटा टाइप जो है कैलकुलेटेड वर्जन में नहीं मिलेगी। यहां पर आपको लेना है क्या, इज इक्वल टू पहला जो हमारा है वो है कंप्यूटर, तो यहां पे कर देता हूं कंप्यूटर, कर दिया क्लोज, किया प्लस का निशान लगाया। अब करना है इंग्लिश, अब करना है एट लास्ट फिजिक्स, तो यहां पे फिजिक्स कर देता हूं। आपके पास जो भी सब्जेक्ट्स हो आप आगे भी इसमें इंक्रीज कर सकते हो सब्जेक्ट्स, ठीक है। यहां से ओके प्रेस कर दो आप, ये हो गया कैलकुलेटेड फील्ड। अब यहां पर आएंगे, यहां पे हमें एवरेज कैलकुलेट करना है। आपको पता है ना कि एवरेज क्या होता है, एवरेज में जितने सब्जेक्ट्स होते हैं उसी से उसे डिवाइड कर दिया जाता है टोटल को, ठीक है। तो यहां पे एवरेज में भी हम यहां पे लेंगे कैलकुलेटेड, ठीक है। और कैलकुलेटेड लेने के बाद यहां पे इज इक्वल टू का निशान लगाना है, और यहां पे कर देना है टोटल, तो यहां पे टोटल कर दिया हमने और क्लोज किया। और कितने सब्जेक्ट्स हैं हमारे, काउंट कीजिए, 1 2 3, 3 सब्जेक्ट्स हैं, इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, यही फॉर्मूला होता है एवरेज का। तो ये हमने कर दिया, ठीक है। अब यहां पर ग्रेड की बात आएगी, तो ग्रेड में उनका ये कहना है कि लेस देन 30 जो होंगे वो फेल होंगे। उन्होंने उसमें एंड का भी प्रयोग किया है, इफ का भी प्रयोग किया है, मैं एंड का भी प्रयोग आगे चल करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी बात कर लेते हैं सिर्फ इफ का यूज करके हम उनका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि 30% से लेस हमें करना है तभी वो बच्चा फेल होगा। तो इज इक्वल टू का निशान लगाइए, आई इफ यूज होता है, आपको पता है आई इफ, यहां सिर्फ इफ नहीं लगाएंगे, आई इफ लगाएंगे, तो ये ब्रैकेट ओपन हो गया। अब यहां पर कंडीशन क्या देनी है, एवरेज जो है, अगर एवरेज, इफ एवरेज आ गया, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, एवरेज बड़ा हो या बराबर हो किसके, 90 के, ठीक है, तो कॉमा। यहां पे मैं कर देता हूं ए प्लस प्लस ग्रेड, ए प्लस प्लस, ये कर दिया हमने और इसको क्लोज कर दिया, दो बार प्लस रहेगा, इसको क्लोज कर दिया, फिर कॉमा दिया,
फिर इसमें नेस्टेड इफ का प्रयोग कर रहा हूं मैं, नेस्टेड आई इफ, तो आई इफ फिर लगा दिया, ठीक है। और अब यहां पर क्या करेंगे हम, फिर वापस से वही चीज एवरेज, तो एवरेज ले लीजिए, ले लिया, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस बार क्या करेंगे हम, इस बार हम करते हैं 80, ओके कॉमा, अगर ऐसा हो तो कौन सा ग्रेड आ जाए, ए प्लस, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग इस क्राइटेरिया को सेट कर सकते हो, ए प्लस चाहिए या एस चाहिए, क्या चाहिए वो आप देख लेना, ठीक है। यहां पर कॉमा दीजिए, फिर यहां पे आई इफ का प्रयोग कीजिए, किया, फिर यहां पर आइए स्क्वायर ब्रैकेट लगा लीजिए, फिर यहां पे एवरेज लेना है आपको। अच्छा ये थर्ड टाइम है, ठीक है, तो एवरेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब क्या करता हूं मैं, अब यहां पे कर देता हूं 65, ठीक है, 65 किया। अच्छा 65, अच्छा ये क्राइटेरिया यानी कि मैं 65 कर रहा हूं, कभी 90 कर रहा हूं, आपका जो कंडीशन होगा उस हिसाब से आप सेट करेंगे। मैं ये तरीका बता देता हूं कि आपको सेट कैसे करना है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर जो मैं सेट कर रहा हूं ना, ये चीज, तो ये क्राइटेरिया आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, अगर आपका कुछ और क्राइटेरिया लगता हो तो आप अपने हिसाब से सेट कर लेना, मैं तरीका बता देता हूं कि ऐसे ही ये सेट होगा। अब ये हो गया, अब यहां पर क्या करना है, 65 हो गया ना, अब 65 पे आ जाएगा बी प्लस, ठीक है, ये बी प्लस कर दिया हमने और यहां पे इसको क्लोज कर दिया, ठीक है, कॉमा दिया, फिर इफ लगाता हूं, आई इफ, ये लगा दिया हमने, अब आई इफ में फिर यहां पे देंगे एवरेज, ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ओके। अब हम कहां तक आ चुके हैं, हम 65 तक आ चुके हैं, अब हम करेंगे 55, ठीक है, कॉमा दिया, अगर ऐसा होता हो, ठीक है, तो यहां पे मैं कर देता हूं बी प्लस, या सिर्फ बी कर देता हूं, बी प्लस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो बी कर देता हूं केवल, ठीक है। अब फिर यहां पे आई इफ लगा लीजिए, ठीक है, और फिर एवरेज ले लीजिए, ये ले लिया, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस बार मैं कर देता हूं 40, ठीक है, तो 40 जो होगा वो 45 कर देता हूं एक्चुअली 45, तो ये जो होगा ना वो आ जाएगा सी में, ठीक है, सी में आ जाएगा, कॉमा दिया, फिर आई इफ ले लीजिए आप, ले लिया, फिर यहां पे एवरेज क्लोज किया, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों मैंने किया है, एट लास्ट वाली कंडीशन दे रहा हूं, ठीक है, ये अगर हो कंडीशन तो यहां पे आए डी ग्रेड, ठीक है, अदरवाइज इन सब में से कोई कंडीशन मैच ना करती हो तो इफ ट्रू या फॉल्स में आंसर देता है, आपको पहले भी बता चुका हूं कई वीडियोस में, तो इन सब में से कोई कंडीशन अगर मैच ना करे तो वो बच्चा क्या हो जाए, फेल्ड हो जाए, क्लियर, फेल्ड, यहां पे एफ है, ये फेल्ड हो जाए। तो अब आपको क्या करना है, यहां से उन ब्रैकेट्स को क्लोज करना है, जैसे इफ एक बार लिया हमने, फिर दूसरी बार लिया, फिर तीसरी बार लिया, फिर चौथी बार लिया, फिर पांचवी, फिर छठी, छह बार लिया था, छह ब्रैकेट आप कर दीजिए क्लोज और यहां से ओके प्रेस कीजिए, ठीक है। अब ये हमारा ग्रेड का पूरा फॉर्मेट तैयार हो चुका है, अब हमको सिंपली यहां पर व्यू पे क्लिक करना है, कर दिया ओके प्रेस कर दिया, अब ये हमारा पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर क्रिएट हो गया है टेबल फॉर्मेट में, ठीक है। यहां से इसको मैं थोड़ा रिसाइज कर देता हूं, यहां पे स्टूडेंट का नेम डालेंगे, जैसे मान लीजिए हमने डाल दिया राम, ओके, यहां पे कंप्यूटर में मार्क्स आए 70 out of 100, ठीक है, और 67 आए इंग्लिश में और फिजिक्स में आए 55, तो ये देखिए कुल मिला के 137 यहां पे आ गया है, और यहां पे देख सकते हैं एवरेज आ रहा है 64%, और उसके हिसाब से जो ग्रेड आ रहा है वो कितना आ रहा है, बी आ रहा है। चलिए दूसरे स्टूडेंट का देख लेते हैं, 50 मार्क्स और यहां पे कर दिया 12 मार्क्स, तो अभी देखिए ये जो है ना टोटल और एवरेज, देखिए यहां पे एवरेज को रिसाइज करता हूं डबल क्लिक करके, तो यहां पे फेल्ड का रिजल्ट आ रहा है आप देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई अगला स्टूडेंट है अविनाश, ये कर दिया हमने, अब यहां पर 89 90 97 ये कर दिया हमने, तो यहां पे देखिए ए प्लस प्लस ग्रेड आ रहा है,
तो उम्मीद करता हूं कि इससे आपकी बात काफी आसान हो जाएगी, काम करना आपको काफी आसानी होगी काम करने में और प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं टेक्स्ट बॉक्सेस की। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्सेस का यूज करके हम इसे कैसे करेंगे, तो ये हमने कर लिया है। ठीक है, और यहां से इसको क्लोज करेंगे तो पहले इसे सेव कर देंगे, ये सेव कर दिया हमने। और क्रिएट पर चलने के बाद आप चाहे तो ब्लैंक फॉर्म ले सकते हैं, हम चलिए ब्लैंक फॉर्म ही ले लेते हैं। तो यहाँ ब्लैंक फॉर्म पे आप क्लिक कर दें, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ ब्लैंक फॉर्म आ जाएगा, यहाँ से व्यू पे जाएंगे और डिजाइन व्यू पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमको अपनी मार्कशीट डिजाइन करनी है, हमने जो ग्रेड निकाला है वो सारी चीजें यहाँ पे चाहिए। तो शो ऑल टेबल्स, यहाँ पे एक ही टेबल हमने ली है मार्कशीट, तो ये ले लेते हैं। अब हमको चाहिए रोल नंबर, रोल नंबर ले लिया हमने। स्टूडेंट नेम चाहिए, स्टूडेंट नेम ले लीजिए। कंप्यूटर, इंग्लिश, फिजिक्स, टोटल, ये सारी चीजें हमें चाहिए होंगी, तो ये सारी चीजें हम एक एक करके ले लेते हैं, इंसर्ट करा लेते हैं। ग्रेड भी करा लिया, ये इस तरह से हमारे सामने आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, इतने बड़े की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पर हमने टोटल करना है, तो टोटल कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, और प्रॉपर्टी शीट को ओपन करेंगे। दी हुई है ये, ऑल पे आपको आना है, ये ऑल देख रहे हैं ना, यहाँ पे ऑल पे क्लिक करना है, यहां से आ जाना है आपको कंट्रोल सोर्स पर। तो कंट्रोल सोर्स पर जैसे ही आएंगे तो यहाँ थ्री डॉट्स आपको दिखाई पड़ेंगे, यहां पर आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ टोटल लिखा हुआ आएगा, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हम इज इक्वल टू का निशान लगाते हैं, ठीक है। अब किन किन चीजों का टोटल करना है वो देख लीजिए। कंप्यूटर करना है, डबल क्लिक करिए, ये आ जाएगा। प्लस का निशान लगाइए, फिर इंग्लिश करना है तो डबल क्लिक कीजिए, ये आ जाएगा। फिर प्लस का निशान लगाइए, और अब यहाँ पे करना है आपको फिजिक्स, तो फिजिक्स भी आ जाएगा, और ओके प्रेस कर दीजिए। फिर यहाँ पर आइए, एवरेज कैलकुलेट करना है तो एवरेज के लिए जाइए फिर यहाँ पर, और थ्री डॉट्स पे क्लिक कर दीजिए, एवरेज हटा दीजिए यहाँ से जो लिखा हुआ है, इज इक्वल टू का निशान लगाइए, और फिर उनका एवरेज कैलकुलेट करना है। तो हम ऑलरेडी टोटल कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहाँ पे आपको सिर्फ लिखना है टोटल। तो टोटल लिखेंगे तो ये हो गया टोटल, और अपॉन कितने सब्जेक्ट्स हैं हमारे, एक दो तीन, तीन सब्जेक्ट्स हैं, फिर यहाँ पर लिख दीजिए, आपका ये सॉफ्टवेयर भी चलेगा। और फिर यहाँ पर ग्रेड पर आ जाएंगे, तो ग्रेड जो हमने दिया था सेम वही ग्रेड हमें यहाँ पर भी देना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ से इसको चाहे तो आप मिडिल में लेके आ सकते हैं, सेंटर में लेके आ सकते हैं, आपको दिखाई पड़ता हो, या आप हिंदी में इसे करना चाहते हो तो हिंदी में भी कर सकते हैं। हिंदी में करेंगे तो कैसे होगा ये वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको लिखना होगा, ठीक है, तो ये इस तरह से मार्कशीट, ठीक है, ये हो गया। और अब इसमें कोई कलर फिल करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं, कहाँ से करेंगे, यहाँ से कर लेते हैं, ये कोई इस तरह का कलर फिल कर लेते हैं। और साइज अगर बढ़ानी हो तो आप साइज भी बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा, यहाँ से कर्सर को रखिए, ये हमने कर दिया, ठीक है। कलर इसका बदलना चाहे तो यहाँ से सिलेक्शन में लेकर के और यहाँ से आप कलर भी बदल सकते हैं, चाहे सेटिंग करनी हो तो नीचे भी सेटिंग कर सकते हैं, बटन्स बना सकते हैं, बटन बनाना कई बार बता चुका हूँ। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर क्लिक करिए और बस थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जो है चेंज कर लेता हूँ, ये वाला बैकग्राउंड आई होप कि ठीक रहेगा, और यहाँ से व्यू पे कर देता हूँ क्लिक। तो ये इस तरह से कुछ हमारे सामने मार्कशीट हमारी डिजाइन होकर आ जाएगी। अब इसमें कुछ और भी अगर आप चेंजिंग करना चाहते हो, जैसे कि ये जो कलर है इस कलर को यहाँ से सिलेक्शन में लेकर के और यहाँ पर कलर चेंज करना चाहते हो तो ये कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से ब्लैक कलर कर देंगे तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखाई पड़ेगा। और अगर आप बैकग्राउंड का कलर भी चेंज करना चाहते हो तो बैकग्राउंड का कलर यहाँ से चेंज हो जाएगा, यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, फिर यहाँ पर बैकग्राउंड पर क्लिक कर दीजिए तो ये इस कलर में आ जाएगा पूरा। अब यहाँ पर क्लिक करिएगा तो ये मार्कशीट कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगी। अगर आपको नेक्स्ट रोल नंबर पे जाना है तो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से आप क्लिक कीजिए, या फिर बटन भी बना सकते हैं, तो ये इस तरह से आ जाएगा आपके पास। तो उम्मीद करता हूँ इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।